हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तुला राशि वालों के लिए 2018 कैसा रहेगा। हर इंसान चाहता है उसका भविष्य अच्छा हो, सुखमय हो, मंगलकारी हो, तो आज हम तुला राशि वालों के बारे में बात करेंगे। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उन व्यक्तियों की राशि तुला राशि होती है। जिन व्यक्तियों को अपना राशि आइडेंटिफाई नहीं करना आता है, तो वो इस तरीके से भी अपनी राशि का पता लगा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके लिए 2018 कैसा रहेगा। नया साल आपके लिए मंगलकारी शुभकारी होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं स्वास्थ्य संबंधी। हर इंसान चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, क्योंकि पहला सुख ही निरोगी काया रहता है। तो हम बताते हैं तुला राशि वालों का स्वास्थ्य किस तरीके का रहेगा। ग्रहों का प्रभाव आपको स्वस्थ रखेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है इस बार 2018 में। लेकिन मनोरोग, उदर रोग, विकार से कुछ परेशानी आपको हो सकती है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, घर परिवार से संबंधित आपको कोई परेशानी तो नहीं रहेगी तुला राशि वालों के लिए। तो परिवार में आपको शुभ कार्य को कार्यों की अधिकता रहेगी, व्यय भार बढ़ेगा, संतान पक्ष का भी पूर्ण सुख मिलेगा। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी आप में वृद्धि होगी, समाज में आपका एक मुकाम हासिल होगा आपको। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं व्यवसाय, यानी कि आपका बिजनेस किस तरीके का चलेगा। हर इंसान चाहता है कि उसका व्यवसाय बहुत ही अच्छा चले, दिन दिन रात चौगुनी तिगुनी वृद्धि करे। तो हम देखते हैं तुला राशि वालों के लिए 2018 में उनका व्यवसाय किस तरीके का रहेगा। इस राशि वालों को केतु गुरु का प्रभाव होने से व्यापार के साथ अन्य क्षेत्रों में लाभकारी स्थितियों का निर्माण होगा। उद्योग धंधों में नवीन प्रयोगों के माध्यम से उत्पादन वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से पूर्ण सहयोग भी आपको मिल सकता है। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपको निजी व व्यावसायिक जीवन के बीच में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। साहस व धैर्य से कार्य सिद्धि में तरक्की होगी। मई और अगस्त में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सर्विस क्षेत्र में भी आपको पदोन्नति मिल सकती है, यानी कि प्रमोशन मिल सकता है, और ट्रांसफर के योग भी इस बार बन रहे हैं। जो बहुत ज्यादा अप डाउन करके परेशान हो गए हैं, उनके ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी 2018 में दिख रही है। वर्ष के अंत तक महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि योग है। श्वेत वस्तुओं का व्यापार ज्यादा से ज्यादा आपको सफलता दिलाएगा। जो व्यक्ति तुला राशि वाले हैं, वे अगर सफेद चीज का व्यवसाय करेंगे, जैसे कि शक्कर है या फिर कपड़ा सफेद, इस तरह का व्यवसाय करेगा, तो उनको लिए ये साल तरक्की लेकर आया है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं धन संपत्ति से संबंधित। आपको रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपने किसी को कर्ज दे रखा है, यदि आपका धन रुका हुआ है, तो वह आपको प्राप्त होने की सफलता इस बार नजर आ रही है। भूमि संबंधी विवादों में भी आपको बाधाओं से दूर होगी, यानी कि आपके को भी कोई भी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रहा है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जनवरी से मार्च तक लाभ क्षेत्र बढ़ेंगे। भौतिक सुख समृद्धि के साथ विलासिता सामग्री का भी क्रय होगा। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पांचवा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, यात्रा व ट्रांसफर से संबंधित, यानी कि आपके ट्रांसफर के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे तुला राशि वालों के। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जिन व्यक्तियों की तुला राशि है और वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, तो उनके ट्रांसफर के योग अधिक से अधिक बन रहे हैं इस साल, यानी कि उनके ट्रांसफर होने की उम्मीद 101% हो रही है। अधिकारी वर्ग से संबंधों के कारण लंबे अरसों से रुकी हुई पद स्थापना आपकी हो सकती है, और आप फॉरेन की टूर भी कर सकते हैं, यानी कि विदेश यात्रा का योग भी आपके जीवन में बन रहा है। सिक्स पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, परीक्षा प्रतियोगिता, यानी कि
जो स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं जिनकी तुला राशि है और वे स्टूडेंट कैटेगरी के यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी इस साल के अंदर, लेकिन थोड़ी सी उनको अपनी एकाग्रता बढ़ाते हुए पढ़ाई करना पड़ेगा, यानी कि पूर्ण कॉन्सेंट्रेट देते हुए उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ेगी, तो उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हम लास्ट एंड लीस्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, कि आपको किस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए ताकि आपके कोई भी अशुभ काम हो या फिर आपके जीवन में कोई भी रुकावट हो वह दूर हो सके। इसके लिए आप शिव की उपासना जरूर करिए दोस्तों, और मछलियों को दाना चुगाना भी कर सकते हैं, और फलदार वृक्षों का रोपण भी आप किसी मंदिर स्थल या धार्मिक स्थल पर कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये थी तुला राशि वालों के लिए एक छोटी सी जानकारी मेरे द्वारा आपके प्रति। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स को इंक्लूड कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।